हमारे बीच में आनंद जी, आनंद जी से हम बात करते हैं। आनंद जी, आज ये बहुत तादाद के अंदर इतनी पब्लिक है, इतनी गैदरिंग यहाँ आ रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, बाबा साहब ने जो अपना जीवन समर्पित किया है, उनका जो जीवन संघर्ष है, उसी से प्रेरणा लेने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा साहब से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज सभी को अपने घरों पे दीप जलाने चाहिए, मोमबत्ती लगानी चाहिए। आज खुशी का दिन है, पूरे देश का दिन है, और सबको झूमना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए आज के दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी पूरी तरह सत्य है। दीप जलाने का मतलब ये नहीं है, वो तो केवल सिंबॉलिक है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है और उनके जो उद्देश्य है उनको पूरा करना है, तभी बाबा साहब का मिशन मोमेंट पूरा हो पाएगा। लेकिन आज देखा गया है कि जो बाबा साहब ने कहा कि 20 और 20 समाज को पीछे नहीं जा सकता, लेकिन पीछे कारण है कि जो जो वंचित तबका है वो एक नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें फूट डाली जाती है। लेकिन अब जो साम दाम दंड भेद की नीति है, वो तबका है, गरीब तबका, वो समझ रहा है और धीरे धीरे एकजुट हो रहा है, उसी का ये नजारा है। आज बहुत सारे लोग एकजुट हुए हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, बाबा साहब केवल एक जाति विशेष के नहीं है, वो पूरे भारत के हैं और वो सभी के हैं। जय भीम। आपका नाम? ज्ञान सिंह। सर, आप लोग यहाँ बहुत तादाद के अंदर हैं, तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया कि जो आप बाबा साहब को याद कर रहे हैं? बाबा साहब ने इतना बढ़िया काम किया है जो छोटे लोगों का, उनका भी उद्धार किया है, बाकी औरों का भी उद्धार किया है। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि भाई इधर बाबा साहब का सम्मान किया जा रहा, उधर एक मूर्ति तोड़ दी गई तो उसको योगी जी ने भगवा कलर कर दिया गया। क्यों ऐसा पब्लिक को और मतलब झगड़ा कराने के लिए ये इन्होंने भगवा कलर डाल रखा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इससे तो और पब्लिक भड़केगी। जो जो कलर है, चलो मूर्ति तोड़ दी, वो मूर्ति को दोबारा लगाया जाए, सामना किया जाए, उसका वही कलर होना चाहिए जो पैंट शर्ट पहन रखी है। ये भगवा कलर कहाँ से आ गया?